बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुश आमदी जी। तो जी आज हमारे पास एक LG का टेलीविज़न है जी, ये आप देख सकते हैं जी। हमारे पास LG का टेलीविज़न है 14 इंच का। तो इसमें जो फॉल्ट है जी वो बड़ा अजीब सा है। तो ये टेलीविज़न बिल्कुल ठीक है जी, इसकी पिक्चर भी आ रही है, साउंड भी आ रहा है। तो इसमें फॉल्ट क्या है जी? फॉल्ट ये है जी इस टेलीविज़न में कि टेलीविज़न को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन के बाद जी टेलीविज़न बिल्कुल ओके है, चलता है। तो आपको दिखाते हैं। तो इस टेलीविज़न को हम करते हैं जी ऑन रिमोट से, स्टैंड बाई पे है जी। देखें टेलीविज़न हो गया जी ऑन। तो वो दिखाते हैं जिसमें क्या फॉल्ट है। ये देखेंगे टेलीविज़न में तस्वीर भी आ रही है और आवाज भी आ रही है, लेकिन होता ये है जी कि कुछ देर बाद टेलीविज़न जो है इसमें आवाज़ आना बंद हो जाती है जी। इसमें ये फॉल्ट है जी, यानी टेलीविज़न जब चलता है जी बिल्कुल ठीक है, तस्वीर बिल्कुल ओके है, साउंड बिल्कुल ओके है, लेकिन 5 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद इसमें है जो आवाज़ आना बंद हो जाती है, इसका साउंड बंद हो जाता है, जिसमें ये प्रॉब्लम है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे ठीक करना है जी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी टेलीविज़न में क्या फॉल्ट है। जी तो हम आ गए हैं टेलीविज़न के बैक पर। तो टेलीविज़न का बैक हमने पहले ही खोल कर रखा है जी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है जी। तो ये आपको दिखाते हैं जी इसमें क्या फॉल्ट है और इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है जी। तो इसमें बड़ा अजीब सा फॉल्ट है जी, इसको हमने चेक किया इस टेलीविज़न को। इस टेलीविज़न का जो स्पीकर लगा हुआ है जी, देखो जी सिंगल स्पीकर है जी, स्पीकर भी बिल्कुल ठीक है इस टेलीविज़न का, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है जी। तो नेक्स्ट स्टेप जो है जी हमने जो किया है इसका, जी इसका साउंड ऐसे लगा हुआ या गुंजा रहा होगा ये वाला, जी साउंड ऐसे भी बिल्कुल ठीक है जनाब, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसको हमने चेक किया जी। तो जी इसका लगा हुआ जी प्रोसेसर भी कह सकते हैं, मेन आईसी इसका लगा होता है ये देखें जी, TDA 8381 PS, जिसका जी आईसी भी बिल्कुल ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। तो फॉल्ट इसका जो है जी, जी जक लगा हुआ है जी, जक भी बिल्कुल ठीक है जी। तो फॉल्ट आपको दिखाते हैं जी इसके कहाँ पे है फॉल्ट और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं जी हम। तो ये किट हमने इसकी निकाली है बाहर जी, तो अभी आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। दरअसल जी ये जो कार्ड है जी आपको नज़र आ रहा होगा जी, इस कार्ड में ये पोर्ट लगी होती है जी ईयरफोन के लिए, ये पोर्ट लगी हुई है आप नज़र आ रही होगी जी, ये वाली। तो सर फॉल्ट इस पोर्ट का है जी, ये वाली पोर्ट लगी हुई है जी, इसका फॉल्ट है। तो इस पोर्ट में ये एक मैकेनिकल फंक्शन होता है जो काम कर रहा होता है, वो मैकेनिकल फंक्शन इतना पेचीदा तो नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से ये फर्क करती है। असल में होता यह है जब हम अपनी ऑडियो ईयरफोन वाली पेन इसमें लगाते हैं तो इसमें दो पत्तियां होती हैं जी, तो वो दूर हट जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्पीकर लगा होता है टीवी में वो बंद हो जाता है और हमारी आवाज़ जो होती है वो सिर्फ ईयरफोन में आ रही होती है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ये फॉल्ट बहुत रेयर आता है जी, लेकिन बात इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे फॉल्ट आते हैं कि फॉल्ट
होता कुछ भी नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है जी ट्रेस करने में। तो इसमें फॉल्ट दरअसल ये है जी कि जो इसकी पिन है जी, इसमें पिन में लूजिंग हुई है जी। आपको दिखाते हैं जी, ये वाली पिन जो है इसमें जी लूजिंग हो गई है जी। तो जी इस पेन में लूजिंग हुई है जी। दरअसल ये ऊपर वाली जो पेन है जी आपको दिखाते हैं, तो ये जो पेन है जी, इस पेन में जो आवाज़ आती है जी ऑडियो इन होती है और इस पेन से ऑडियो आउट होती है। तो इस पेन में दरअसल लूजिंग है जी, तो इसी वजह से जी हमारी टेलीविज़न की आवाज़ जो वाइब्रेशन की वजह से कभी कभी जो टांका जो लगा हुआ जो लूज रहता था और बंद हो जाती थी। तो और कभी कभी खुद ब खुद चली पड़ती थी, कभी कभी नहीं भी चलती थी। तो टीवी हम ऑफ करके दोबारा ऑन करते थे तो चल पड़ती थी। तो इस जगह पे हम जब टांका लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा टेलीविज़न का जो फॉल्ट है जी दूर हो जाएगा जी, हमारा टेलीविज़न जो हो जाएगा ओके बिल्कुल। तो आप इसको सोल्डर करते हैं जी, बात का होता है जी यहाँ पर लूजिंग नहीं होती, लेकिन ये जो पोर्ट है अंदर से ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये फॉल्ट आ जाता है टीवी में। तो इसका हल यही होता है जहाँ तो पोर्ट को चेंज कर दें, जहाँ पर इसको बाईपास कर दें जी। तो अब हम इसको सोल्डर करते हैं जी। शुक्र है आप जो जो पिन हैं जिन सभी को सोल्डर करते हैं, तो क्योंकि अक्सर तो इन दोनों में ही होता है जी ज़्यादातर, क्योंकि एक में से आवाज़ जिन होती है एक में से आउट होती है। तो अच्छी तरह सोल्डर कर दें जी, तो जी हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। तो इस टेलीविज़न में यही फॉल्ट था जी, और उसको हमने इंशाल्लाह ट्रेस कर लिया और रिपेयर कर लिया जी। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अब हम टेलीविज़न में कर देंगे फिट।